कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन में तमाम अड़चने आ रही है। लिहाजा पहले बात कमान की कसमकस के मुद्दे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? नवंबर 2019 से लेकर यह सवाल आज तक जस का तस बना हुआ है। प्रदेश में 3 महीने पहले बीजेपी को उसका नया अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस अब तक किसी एक नाम पर मोहर लगाने के बजाय सिर्फ माथापच्ची ही हो रही है। यूं तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आदिवासी वर्ग से रामविचार नेताम और विक्रम सिंधी, तो सामान्य वर्ग से राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, जबकि पिछड़ा वर्ग से दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय राय के नाम की भी चर्चा जोरों पर है, लेकिन अंततः कमान किसे सौंपी जाए इस पर कसमकस है। कसमकस की बजाय गुटबाजी है, या फिर आदिवासी और ओबीसी में से किसी एक को प्रदेश की कमान सौंपने के बाद पार्टी नेताओं में टकराव होने का डर। चलिए इस पर चर्चा का दौर शुरू करें, उसके पहले देखें हमारी छोटी सी रिपोर्ट। ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्ष तक और तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव बीजेपी में हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ को वोट डालने से बेदखल होना पड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव नवम्बर में हो जाना था, वो अब और 3 महीने गुजरने के बाद भी नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध संपन्न कराना चाहती थी, लेकिन आंतरिक कलह से जूझने के चलते फिलहाल किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, और इसकी बड़ी वजह गुटबाजी के साथ ही आदिवासी या ओबीसी में से किसी एक को चुनना माना जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब फैसला आलाकमान को करना है। इधर बीजेपी में मनोनयन से अध्यक्ष चुने जाने की तैयारियों पर कांग्रेस ने चुटकी ली। छत्तीसगढ़ का भी यहाँ तक मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर अध्यक्ष जी का चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इनको अच्छा अध्यक्ष चुनना चाहिए जो इनकी पार्टी को एक साथ लेकर इनकी जो अंदरूनी गुटबाजी है जो अब सतह पर दिखाई देने लग गई है और जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है उसको ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन पर हो रही लिटल तीखी और अंतरकलह का असर अब सूबे की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार कई मुद्दे ऐसे आए हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में असफल साबित हुआ है। ऊपरी स्तर पर चल रही खींचतान का असर जमीनी कार्यकर्ताओं पर साफ नजर आ रहा है। खैर, इन सब के बीच बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में कमान पर कसमकस है, इसकी वजह क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़े हैं कांग्रेस नेता राजन तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता सुचंद सुमरानी जी हैं। सुमरानी जी, आपका भी स्वागत। धन्यवाद त्रिपाठी जी। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। नमस्कार भाई साहब। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। सुंदरानी जी, पहले आपसे सवाल कर लूं कि तिवारी से पूछ लूं? त्रिपाठी जी, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। हम इसलिए कि तिवारी जी की पहले ही अनुरोध आ गया। तो दोनों हैं आपके। तिवारी जी का पहले ही अनुरोध आ गया, पता नहीं हमसे क्यों बेरुखी रखते हैं। पहले ही कह चुके कि भाई मुझे जल्दी जाना है, जल्दी उठना है। तिवारी जी एक शख्स हैं, मेरे बड़े भाई वैसे जाना दोनों को साथ में ही है। जी 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 जी, फिर अब क्या बात कहें। मैं तिवारी जी को मैं बोलने वाला था कि आप एक शख्सियत हैं, महक बागों में नहीं फूलों में होती है, पहचान शख्स की नहीं शख्सियत की होती है। तिवारी जी थोड़ा हमारे साथ आधे घंटे तक रहे आएंगे तो क्या गड़बड़ी होगी। जी चलिए, तिवारी 8:25 आज के बाद शिकायत नहीं मिलेगी। आज थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था त्रिपाठी जी, क्षमा चाहता हूँ मैं इसके लिए। चलिए, हम मुझे भी जाना है दूसरे चैनल में सर। चलिए चलिए तिवारी जी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। निश्चित तौर पे हम 8:25 पर प्रोग्राम खत्म कर देंगे। सबसे पहले सवाल, अरे मामला उनका है, सुंदरानी जी का, आपको क्यों कसमकस हो रही है, आपको क्यों परेशानी हो रही है कि अध्यक्ष चुनना चाहिए बढ़िया? अरे आप अपना संभालिए, उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं, हमको दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं
कि इनका एक अच्छा अध्यक्ष बने जो छत्तीसगढ़ की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से वैसे ही उठाए जैसे भूपेश बघेल जी ने उठाया था और उतनी ही मेहनत करने वाला हो जैसा कि हमारे मोहन मरकाम जी अभी कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं त्रिपाठी जी, और मगर दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नियति ये रही है कि जब वो सत्ता के बाहर होती है तो उनके यहाँ जो सिर फुटव्वल होता है वो बड़ा उल्लेखनीय होता है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो इसी प्रांत में हम लोगों ने देखा था कि वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय प्रभारी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, उनको किस तरह से छुपते हुए जाना पड़ा था, और लखीराम जी अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे उनकी गाड़ी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ किया था कि कौन विधायक दल का नेता हो इस बात को लेकर के। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के साथ में जो व्यक्तिगत चर्चा होती है तो वो इस बात का बखान करते हैं कि हमारे यहाँ एक गुट आदिवासी है, एक गुट डॉक्टर साहब का है, एक गुट बृजमोहन अग्रवाल का है, और वो उन नामों का उल्लेख करते थे कि कौन कौन हो। मगर इन सब के ऊपर मैं और कांग्रेस पार्टी तो ये चाहेगी कि जो भी अध्यक्ष हो वो अस्त व्यस्त और ध्वस्त पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकने का काम करे, और अगर अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारी गलती को बताने का काम भी करे। आप तो भोपाल से हैं और शेरो शायरी का तो आपका अपना अंदाजे बयां है जनाब, तो मुझे बशीर बद्र का शेर याद आ रहा है आपको देख के कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो साहब हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा एक ऐसा प्रतिद्वंदी हम लोगों को मिले, एक ऐसा अध्यक्ष मिले भारतीय जनता पार्टी का जो जन समस्याओं को उठाए, हमारा भी ध्यान आकृष्ट करे। कोई हम संपूर्ण हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हमसे भी कहीं गलती हो सकती है, और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में समय समय पर सड़कों पर उतर करके, डंडे खा करके, जेल यात्रा करके आम जनता के हित के लिए काम किया, तो और जिसका परिणाम ये रहा कि आज 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ में हम सत्ता पर बैठे हैं त्रिपाठी जी। तो हम तो चाहेंगे कि मुखालिफत करने वाला जो हमारा प्रतिद्वंदी हो वो भी शक्तिशाली हो, नहीं तो राजनीति में आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता है। तो हमारा तो इस बात को लेकर के पूरा जोर रहेगा कि अच्छे आदमी को जो खूब कर्मठ हो, खूब काम करने वाला हो, गुटबाजी से परे हो, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया पिछले 6 साल में और आज उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी के जाने के बाद में हमने तत्काल ही मोहन मरकाम जी का सर्वसम्मति से चयन किया और राहुल जी को और सोनिया जी को बताया कि ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, और उनका चयन हुआ और आज उनके नेतृत्व में हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो हम ऐसी ही छवि हम भारतीय जनता पार्टी में देखना चाहेंगे। बिल्कुल, भूपेश जी ने जैसे विपक्ष में रहते हुए काम किया था उसी तरह आप बिल्कुल दिल से सोच रहे हैं, दिल से दे रहे हैं कि उसी तरह काम करने वाले हो कि ऊपर से बोल रहे हैं। अगर दिल से बोल रहे हैं तो फिर 2023 में तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए क्योंकि नहीं क्योंकि दिल से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिल में ये है कि छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, राजनीति से परे हट करके भी हम लोगों को केवल और केवल छत्तीसगढ़ के हित की बात करनी चाहिए। हमारे साथ अभी दिक्कत ये है त्रिपाठी जी कि हम यहाँ धान का चाहते हैं कि धान का मूल्य हमको दे केंद्र की सरकार, वहां अड़ंगा डाला रही है, हमारा GST का पैसा रोक करके रखी है। कम से कम राजनीति से परे हट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये सोचे कि भूपेश बघेल जी इस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो उनका भी साथ मिले हमको। हम तो ये चाहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो तो उसमें राजनीति दरकिनार होनी चाहिए और प्राथमिकता छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, हमने देखा है कि जब रमन सरकार थी तो किस तरह विकास के लिए आप विपक्ष किस तरह से लगा हुआ था, तब कितने आरोपों से रमन सिंह को घेरते रहते थे। बिल्कुल विकास हुआ निश्चित तौर पे। सुंदरानी जी, तिवारी जी आपसे संभवतः वरिष्ठ हैं और बकायदे वो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप ऐसा विपक्ष बनिए कि जो तस्वीर बदल दे, और आप क्या नहीं चाहते 2023 में तस्वीर फिर से बदले। ऐसी स्थिति में वाकई में देखिए समय होता है, एक समय था जब आप सत्ता पक्ष में थे तब आप लोग भी आरोप लगाते थे, कई बार इस चैनल में लगाए कि पहले प्रतिपक्ष है एक तो हो जाए तब हमसे मुकाबला करेगा। आज वही आरोप आप पे लग रहे हैं कि पहले एक तो हो जाए, अध्यक्ष 3 महीने यहाँ भी ऊपर से मनोनीत कर दिया गया,
तो आप तो कम से कम अब एक हो जाए, और इसे भी गिनती में दहाई से थोड़े ज्यादा हैं आप लोग, तभी तो तिवारी जी की मंशा पूरी कर पाएंगे। त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि वो एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और कांग्रेस के सिर्फ वरिष्ठ नेता नहीं, मेरे परिवार के भी बड़े हैं, मैं उनके बड़े भाई के रूप में मानता हूं, मेरा पूरा परिवार उनको भाई के रूप में मानता है जी। निश्चित रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितनी बातें कही, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद देता हूं जी। त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। 3 महीना पहले संगठन के चुनाव होने थे जी। हमारे यहाँ चुनाव की पद्धति से अध्यक्ष का चुनाव होता है, 11 जिलों में अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए। इस बीच नगरीय निकाय के चुनाव आ गए, नगरीय निकाय चुनाव के कारण 11 जिलों के चुनाव स्थगित कर दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इसी परिप्रेक्ष्य में नहीं हो पाया। उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव के चलते चुनाव की डेट आगे बढ़ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन होना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन होना था, और अब हमारे यहाँ चुनाव नहीं होगा। त्रिपाठी जी, एक भ्रम दूर कर दूं, अब कोई दावेदार नहीं, अब कोई कैंडिडेट नहीं, अब तो केंद्र को निर्णय लेना है। उन्होंने जो रिपोर्ट मंगानी थी अपने सोर्सों से, वरिष्ठों से, प्रदेश के वरिष्ठ लोगों से, अब तो सीधा सीधा हाईकमान को एक आदेश जारी करना है मनोनीत का। अब कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं बची, या किसी जाति का किसका होगा, कौन होगा, ये सारी समीक्षा केंद्र ने कर ली है। कुछ घंटों का इंतजार है, किसी भी समय। मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं हो पाया था, आपने देखा 2 दिन पहले उनका मनोनयन हुआ। अब चुनाव की प्रक्रिया से हमको नहीं गुजरना है। 11 उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पहले होता था कि मंडल के चुनाव होते हैं, मंडल के बाद जिले के चुनाव होते हैं, जिले के बाद प्रदेश का चुनाव होता है, प्रदेश के बाद राष्ट्रीय चुनाव होता है। लेकिन अब उल्टी प्रक्रिया होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनोनीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष को, और प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करेंगे जो 11 जिलों के चुनाव नहीं हो पाए वहां के अध्यक्षों को, और कुछ मंडल के चुनाव हमारे बचे हुए हैं, तो वो जिला अध्यक्ष जैसे मनोनीत होंगे वो जिला अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। ये तो प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर आती है मनोनयन में। हाँ, संभवतः प्रक्रिया सभी को मालूम है, और निश्चित रूप से विक्रम प्रक्रिया सभी को मालूम है, लेकिन सवाल वहाँ हमारे विक्रम उसेंडी जी, विक्रम से सवाल यहाँ जो हमें मालूम है, ये वर्तमान में अध्यक्ष है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी चाहते हैं किसी और को, लेकिन दूसरा धड़ा चाहता है किसी की पिछड़ा वर्ग से बनाया जाए, भूपेश बघेल जी की काट लाई जाए, लेकिन वो पसंद नहीं कर रहे हैं, इस कारण लेट लतीफ हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है त्रिपाठी जी, जो हर एक नेता की अपनी पसंद होती है, हर कार्यकर्ता की अपनी पसंद होती है, लेकिन ये सब जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तब। अब जब मनोनीत केंद्र को करना है, अपने अपने विचार लोगों ने बता दिए होंगे, जिन लोगों से पूछना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनसे राय ले लिया होगा, अब निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। और कुछ घंटों की बात है त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी 2 दिन पहले ही बनाया गया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भी कोई 15-20 दिन हुआ। इस बीच हमारे यहाँ जिला पंचायत के चुनाव थे, हम लोग कोई फूट के कारण रुक गया, या चुनाव नहीं हो पा रहा, या सहमति नहीं बन पा रही, त्रिपाठी जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम दम से लड़ेंगे। आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी की जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे। 2023 तक भूपेश बघेल से ज्यादा संघर्षशील नेतृत्व हमारे पास है, हमारे पास संगठन की क्षमता है, हम इस सरकार को नाक में दम ला देंगे, क्योंकि 1.25 साल में ये सरकार विफल हो चुकी है, 5 साल में तो पता नहीं इसका नाम लेवा कोई नहीं होगा छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही कहा, पूरी तरह से विफल है, इसीलिए 2 उपचुनाव जीत गए, इसीलिए नगरीय निकाय चुनाव जीत गए, इसीलिए पंचायत चुनाव में पूरा पर्दाफाश कर दिया, तो बहुत बहुत पूरी तरह से विफल है तिवारी जी। इसमें हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल त्रिपाठी जी, नगरी जी बोलिए, एक सेकंड त्रिपाठी जी, नगरीय निकाय चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव तो मैनेजमेंट में चुनाव जीते, जनता के समर्थन से नहीं जीते। बहुत अंतर नहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, इन्होंने सत्ता के दम पे, धन बल पर,
ये चुनाव को प्रभावित करके जीते गए हैं, जनादेश इनके पक्ष में नहीं, जबकि जनादेश इनके पक्ष में होना चाहिए था। सवा साल पहले जो चुनाव हुए इन्होंने 3/4 चुनाव जीते, 70% विधायक इनके शहरी क्षेत्र में थे, 85% विधायक इनके ग्रामीण क्षेत्र में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबर बराबर में आके खड़ी हो जाए सवा साल के अंदर, तो ये तो हमारे लिए उपलब्धि है। जिस प्रकार धान के मुद्दे पे पूरी तरह सरकार विफल हो गई, धान का 2500 रुपए मूल्य देने में विफल हो गई, अभी भी योजना बना रहे, कब योजना बनेगी, कब क्या होगा, कब नौमन तेल होगा, राधा नाचेगी। चलिए ये तो नवंबर में जीते थे सुंदरानी जी, आप तो मई में 80-85% जीत गए थे लोकसभा का चुनाव, ये तो समय समय की बात है, कब किसकी तरफ चला जाए बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन तिवारी जी बाबूलाल जी से हम टिप्पणी ले लें कि वाकई में बीजेपी में अंतर कलह की वजह से लेट लतीफी हो रही है या कुछ और वजह है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं चाहते थे कि राकेश सिंह कंटिन्यू करें, बदलना पड़ा, वही स्थिति मुझे जो मालूम है थोड़ी बहुत कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि किसी पिछड़े वर्ग से किसी को बनाया जाए, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आदरणीय तिवारी जी के मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार भी लगते हैं, तो इस कारण है कि वाकई में जो सुंदरानी जी बता रहे हैं कि 11 जिलों में चुनाव नहीं हो पाए, बहुत मंडल अध्यक्षों के नहीं बन पाए, इस कारण लेट हो रहा है। देखिए आपने वास्तविक मर्म को इसका पकड़ लिया है, गुटबाजी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है मैं मेरा और अपना का है। पूर्व मुख्यमंत्री का आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो है आज भी उस भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रमुख चेहरा है और दमदार है, आज की स्थिति में भी अन्य नेताओं से वो भारी पड़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। और ये निश्चित है कि बिल्कुल सही कहा है, सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा तेज तर्रार नेता जो है वो अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी का, जो इनकी गलतियों को अच्छे तरीके से बोल सके, बता सके, मैं तरीके से उसको उठा सके, ये तो बिल्कुल सही है। और ये प्रजातंत्र की मांग भी होती है और विपक्ष मजबूत हो ये चीज जरूरी होती है जी। अब सवाल पार्टी में दम भरने वाला अध्यक्ष चाहिए, ये तो तय है। अब सवाल कौन पार्टी में दम भरेगा, कि पार्टी में दम भरेगा डॉक्टर रमन सिंह का आदमी होना चाहिए वो दम भरेगा, या वास्तविक मजबूत आदमी चाहिए, लीक पे चलने वाला आदमी चाहिए, या खुद से समझ के बोलने वाला आदमी चाहिए, तो विजय बघेल, विक्रम मुसंडी, विष्णुदेव साय कौन, किसको? विक्रम मुसंडी को अजमाया गया है, लीग पे चलने वाले नेता है। विष्णुदेव सिंह जो है पहले रह चुके हैं, वो भी लीग पे चलने वाले नेता है। अब रह गया नाम विजय बघेल का, जिसको आपने कहा कि वो इनके मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार होते हुए भी वो बड़ा तगड़ा विपक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एकदम विरोधी, वास्तविक विरोधी है भूपेश बघेल के, ये भी सही है। लेकिन सवाल ये पैदा नहीं होता साहब, विजय बघेल तेज तर्रार है या और कौन तेज तर्रार है, वो मौका नहीं है, लेकिन मेरा है कि नहीं है, अपना है कि नहीं है, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इसके रहते हुए, ये प्रश्न सबसे बड़ा है। अगर आप तेज तर्रार खोजना चाहते हैं तो शिव रतन शर्मा को क्यों नहीं बनाया, अजय चंद्राकर को क्यों नहीं बनाया, नारायण चंदेल का नाम क्यों नहीं आया, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम, ये है तेज तर्रार नेता, ये करते हैं मुकाबला, तो इनमें से छांटना था। लेकिन सवाल वही है कि मैं है कि नहीं, मेरा है कि नहीं और अपना है कि नहीं, ये प्रश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। और इससे ये साबित होता है कि इनके यहाँ सबसे मजबूत लीडर अगर कोई है आज भी तो वो डॉक्टर रमन सिंह ही है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है अभी इस वक्त में जी। ब्रिजमोहन जी तो बेचारे एक तरह से साइड लाइन हो चुके हैं, उनके साथ बड़ा छोटा सा एक दो लाइन में कह दूं कि वो तो खैर हो गया, जो तिवारी जी ने पहले कुछ उसका विश्लेषण कर दिया है कि ब्रिजमोहन जी के साथ कि जख्म तो लगे थे कमबख्त जंगे ऐलान पे, लेकिन जख्मों का हिसाब तब मांगा गया जब हम खड़े थे कुर्सी के मुहाने पे, तो ये तो ब्रिजमोहन जी के साथ ये हो चुका है, क्या करेंगे जी। तिवारी जी आप कुछ कह रहे थे कि सुंदरानी जी कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, अपने दम पे है, वो जख्मों के हिसाब उनसे आप मांगे जा रहे हैं जब कुर्सी के नजदीक पहुंचे हैं जी। जी तिवारी जी, तिवारी जी कुछ कह रहा था कि जैसे अभी श्रीचंद भाई ने कहा जी,
श्रीचंद भाई ने ये कहा, दो तीन छोटी छोटी बातें, एक वाक्य आपके आपकी बात का भी उत्तर दूंगा जी। तो अब समय तो है नहीं, नहीं तो अब कुछ बहुत सारे मुहावरे याद आ रहे हैं कि नाचन आंगे आवे आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पैसे की बातचीत कर रहे हैं कि पैसे का लेन देन हुआ। श्रीचंद उन लोगों में से हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा बेहद समझदार नेता, जिनको मैं मानता हूँ। मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। कैसे बयान करें कि पैसे का लेन देन तो पैसे का लेन देन तो केवल अंतागढ़ में अच्छे से दिखाई दिया था कि किस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी को खरीदने का काम पूर्व मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोगों ने किया था। तो चलिए जाने दीजिए। अभी आपने एक बात कही रिश्तेदारी की, तो हुजूर ऐसा है, ये तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यु स्वाहा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। ये तो धर्म का युद्ध है, यहाँ भाई भतीजा ये नहीं, महाभारत है। जो जो छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेगा वही इस धर्म युद्ध में विजयी होगा। तो रिश्तेदारी वगैरह का कोई मामला नहीं है। और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सक्रियता के साथ में आपने कहा कि भूपेश बघेल की काट क्या है। भूपेश बघेल की काट तो साहब, जो दर्द सह सके, जिसके पैर में छाले पड़ सके, जो इतना ज्यादा अपने परिवार की प्रताड़ना को सह सके और जो कांग्रेस जनों को, संगठन के लोगों को एक कर सके और उसके बाद भी उफ न करे, ऐसी उसकी काट अगर इनके पास है तो ले आए मुकाबले में। चलिए अब आपको जल्दी जाना, हमारे रमेश जी बहुत देर से बैठे हैं, बीजेपी को बहुत नजदीक से देखा है, वर्षों से देखा है, आप भी जानते होंगे। रमेश जी की संक्षिप्त टिप्पणी इसमें मिल जाए तो शायद बेहतर होगी, और वो टिप्पणी सुन के जाइएगा। आपसे अनुरोध है जी रमेश जी। देखिए मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ में भाजपा में या उनके पूर्व स्वरूप जनसंघ के समय से गुटबाजी तो हमेशा से रही है। श्रीचंद जी जानते होंगे जिन दिनों युवा मोर्चे की टीम निकली थी, वीरेन पांडे की, डॉक्टर रमेश की जब टीम निकली थी, और तब बलिराम कश्यप और उनकी टीम बिल्कुल अलग थी, और कुल मिलाकर के यहाँ पर जिस तरीके से जो बातें होती थी वो हमने देखी। फिर आगे चल करके भाजपा जब सरकार में भी नहीं आई थी, तब छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो रमेश बैस की टीम अलग थी और रमन सिंह जी की टीम अलग थी, जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल जी और जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेम प्रकाश पांडे जी, वो मूणत, ये जो एक टीम थी वो बिल्कुल अलग थी। अब पता नहीं फिर भी कुछ भी हो, हाईकमान ने निर्णय जो लिया वो डॉक्टर रमन सिंह के पक्ष में लिया। तो मोटे तौर पर एक समय हुआ करता था भाजपा में या जनसंघ में जब कैडर को बहुत महत्व मिलता था, लेकिन समय के साथ, जो मैंने कई वक्त चैनल पर कहा है, भाजपा ने एक कॉल दिया था कि हमको देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तब मैंने इसके जवाब में चैनलों पर कहा था कि अगर देश को आप कांग्रेस मुक्त बनाएंगे तो भाजपा कांग्रेस युक्त होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 10-15 वर्षों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं चेहरा और निकटता कि कौन मेरा है कौन तेरा है, इसका भी थोड़ा सा अब आने लगा है। लेकिन अब ये बदला हुआ दौर है, इस बदले हुए दौर में मुझे लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने निर्णय लिया, मध्य प्रदेश में संगठन से जुड़े व्यक्ति को निर्णय लिया, जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो विद्यार्थी परिषद से संघर्ष करता था। तो मैं समझता हूँ अगर इस बात को हम एक उदाहरण के रूप में माना जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत संभव है कोई संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आएगा। उसका कारण है कि गुटबाजी का ही नतीजा तो है कि आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ इतना सा तो राज्य है, उसमें भी आप 11 जिलों में चुनाव नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त भाजपा हाईकमान ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सार्वजनिक मतदान या सार्वजनिक इस तरीके से ना हो, आपस में लोगों को बिठा करके उन्होंने कुछ तय किए थे कि किस किस्म के लोग बैठ करके नाम तय कर लें, और वो जो 12-14 लोग रहते थे हर जिले में वो एक नाम को तय नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो लग रहा है, बहुत संभव है कि छत्तीसगढ़ में जो नया नाम होगा वो संगठन से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। चलिए निश्चित तौर पर, अभी 2 मिनट समय है तिवारी जी और सुंदरानी जी, छोटे छोटे सवाल हो जाए क्या? आपने 8:25 का आदेश दिया था, आज्ञा दीजिए जी। तिवारी जी, निश्चित तौर पर बात तो सही आपने कही है जी। चलिए चलिए, अगर आपको बहुत सी 8:25 से ऊपर हो गए अब आज्ञा दीजिए। चलिए, हमारी टीवी गलत, टीवी में जो हमारी समय बता रहा है वो शायद थोड़ा गलत है लगता है, हमारे में 8:24 ही बता रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अनुरोध है आपसे कि कम से कम जब आए तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, आप और सुंदरानी जी आते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी देर और आपके साथ वार्तालाप हो जाए तो बेहतर होगा, तो अगली बार से हमें पर्याप्त समय दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। बाबूलाल जी, निश्चित तौर पे आप छत्तीसगढ़ की, हम तो सुखद क्षणों को मानते हैं जब आपके साथ चर्चा करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, में उसको सबसे अच्छा दिन मानते हैं जी। चलिए बहुत धन्यवाद।
जी बाबूलाल जी, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, वहाँ संगठन चुनाव भी हो रहे हुए, सारी चीजें हुई, आपको नहीं लगता है कि वहाँ गुटबाजी इस समय चरम पे है? चरम पे गुटबाजी होने की वजह है कि जब काम नहीं रहता है, आजकल रमन सिंह जी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन कद उन्होंने 15 साल में इतना बड़ा कर लिया है कि उनके पास कहीं व्यस्त रहने की बात नहीं, लेकिन उस कद को बनाए रखने के लिए वो चाहते हैं कि उनके इशारे पे भी प्रदेश अध्यक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को नहीं बनने दिया, किसी और को बनने दिया, क्या यही कारण है बाबूलाल जी? जी बाबूलाल जी, आवाज सुनाई पड़ रही? अध्यक्ष साहब जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हेलो, हाँ आवाज सुनाई पड़ रही? हाँ सुनाई दे रही है, मैं सुन लिया। जी जी, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा ना कि ये आज भारतीय जनता पार्टी में एक नई परंपरा आई है, मैं मेरा अपना की स्थिति बन गई है, और रमन सिंह से मजबूत नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में नहीं है, उनकी बात को काटना भी बड़ा दिक्कत वाला काम है। अगर अगर सही अध्यक्ष देना हो, मजबूत अध्यक्ष देना हो, जो पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत कर सके, उस तरह का आदमी देना हो, प्रेम प्रकाश पांडे को दीजिए, जो संगठन से लगे हुए आदमी है, अजय चंद्राकर है, शिवरतन शर्मा है, नारायण चंदल है, ये लोग संगठन के आदमी है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो शायद रमन सिंह जी के पसंद के नहीं होंगे, और अगर रमन सिंह जी के पसंद के होंगे वही नेता सामने आएंगे। इसीलिए जो है विक्रम मुसंडी का नाम दोबारा आया है, और विष्णुदेव साय का नाम दोबारा आया है, और विजय बघेल का नाम अगर आया भी है तेज तर्रार नेता के रूप में, तो उसको जो है वो फीके तौर पर देखा जा रहा है कि शायद वो न बन पाए, क्योंकि नेता कई बातें रखी जा रही, नेता प्रतिपक्ष जो है वो ओबीसी से है, तो इनको भी कैसे ओबीसी बना देंगे, तो आदिवासी लीडर होना चाहिए, आदिवासी लीडर में विष्णुदेव साय और विक्रम मुसंडी डॉक्टर रमन के पसंद के लोग हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में एक नई संस्कृति छत्तीसगढ़ में पैदा हुई है, ये निश्चित रूप से जो है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है, और आज की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो ये है कि फिगर तो रमन सिंह है, कोई बात नहीं, पार्टी का संगठन जो है वो बिखर रहा है जी। निचले स्तर पर जो बहुत नाराजगी आ रही है उसको समेटने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कैडर पार्टी नाम है, कैडर पार्टी को कैडर पार्टी रखने के लिए, और ढांचा का देखिए, अध्यक्ष कोई भी हो वैसे ढांचा ऐसा मजबूत होता है, भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है, ढांचा चलाता है अध्यक्ष को, लेकिन अगर अध्यक्ष वास्तव में मजबूत हो तो वो दिशा दे सकता है पार्टी को, वो ढांचे को भी अपने ढंग से दूसरे ढंग से बना सकता है, एक अच्छे तरीके से वो संगठन और अच्छे से बना सकता है। ये जो नाम मैंने लिए, ये सब सकता है, मैंने अपनी आंखों से संगठन बनाया है कि बृजमोहन जी जब 90 से लगातार चुनाव जीते हैं, 90 में मंत्री थे, रमन सिंह चुनाव हारे, बृजमोहन कभी नहीं हारे, अंत तक बृजमोहन जी का नाम ना प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री की बात ही नहीं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा कहीं पे, जबकि आप भी जानते हैं कि संगठनात्मक क्षमता अगर बृजमोहन जी बनते हैं तो हो सकता है भूपेश बघेल जी के लिए बहुत मुश्किल हो। देखिए, एक तो तेज तर्रार होना उनके लिए माइनस पॉइंट हो गया, दूसरा जो है डॉक्टर रमन सिंह की पसंद न होना उनके लिए माइनस हो गया, नहीं तो मैंने जो पांच नाम लिए उनमें से किसी को भी बनाइए, आप देखिए संगठन में क्या तहलका मचता है, मैं जानता हूं इन लोगों की संगठन करता है, और आज भी देखिए जब संकट का मौका आता है, चाहे विधानसभा के अंदर संकट आया, संकट की बात आई, या आरोप प्रत्यारोप जब रमन सिंह पे होते थे तो बचाव में कौन लोग आते थे, बचाव में यही ढाल बन के खड़े होते थे, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, यही लोग ढाल बन के खड़े होते थे, एक राजेश मुणत भी नाम था जिसमें जो इनके ढाल बनता था, वो उनका आदमी था, उनकी पसंद का आदमी था, तो मैक्सिमम जो मजबूत लोग हैं, मैक्सिमम जो तेज तर्रार लोग हैं, आज ये एक किनारे पड़े हुए हैं और इन लोगों की बात आती नहीं है। आपने बृजमोहन जी का नाम लिया, मैं कई नाम आपको बता रहा हूँ जो संगठन के मजबूत व्यक्ति हैं, जो संगठन चलाना बनाना जानते हैं, वो लोगों को जोड़ना जानते हैं, मैंने नजदीक से देखा है, मैं ये नहीं कहता कि विष्णुदेव साय में वो बात नहीं है, या विक्रम संडी में ये बात नहीं है, विजय बघेल में बात नहीं है, लेकिन पसंद नापसंद को छोड़कर मजबूत लीडर अगर देना है तो इस वक्त नया नाम कोई ना कोई आना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई एक नया चेहरा हमारे सामने आया है और ये नया नेता हमको मिला है, तो हम इनके नेतृत्व में काम करके देखते हैं, एक ट्रायल के तौर पर सोचे कम से कम नया आदमी रहता, विष्णुदेव साय को देंगे तो उनके साथ काम करके देख चुके हैं लोग, इन लोग हुसैनडी जी के साथ काम करके देख चुके हैं, इसलिए नया नाम का आना जरूरी है, मजबूत आदमी का आना जरूरी। चलिए बाबूलाल जी, हमारा समय साथ हो गया, आपके विश्लेषण के लिए
विधिवत विश्लेषण जो आपने किया है, गहराई तक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर चल रही है, कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से वो अब तक उबर नहीं पाई। पहले दो विधानसभा उपचुनाव, उसके बाद निकाय की जंग में हार, और फिर पंचायत की पिक्चर साफ होने के बाद बीजेपी में गुटबाजी के साथ ही अंतर्कलह की खबरें सामने आई। ऐसी स्थिति में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का अब तक चयन न हो पाना इस बात को बल दे रहा है कि विपक्ष में गुटबाजी है, सभी नेता एक मत नहीं है, लिहाजा जो कदम नवंबर में होना चाहिए था उससे कम से कम अब तक तो पूरा हो जाना चाहिए। वहीं इन सबके बीच अब आदिवासी और ओबीसी में से किसी एक नेता का नाम इस तरह सुनना कि पार्टी में बिखराव न हो बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ। उधर कांग्रेस चुटकी पर चुटकी ले रही है। खैर, बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अब फैसला बीजेपी आला कमान को लेना है। छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां सवालों के घेरे में स्मार्ट सिटी है, लिहाजा चर्चा इसी मुद्दे। साल 2015 में शुरू हुई स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आज की तारीख में मध्य प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना और सागर शामिल है। सतना और सागर को छोड़कर